क्लास 12th मैथ की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो कुछ कारणवश बीच में क्लास गैपिंग थी, तो अब कंटिन्यू होगा। अब पूरा आपका मैथ समाप्त किया जाएगा, उसके बाद कुछ बात होगी। तो हम पहुंचे थे समाकलन करने, समाकलन हम लेकर चल रहे थे, और हम पहुंचे थे पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और पी एक्स प्लस क्यू बटे रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। हम इन दो तरीकों का समाकलन कर रहे थे, ठीक है। हमने इन दोनों तरीकों का समाकलन करना एक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन मैं आज इसे फिर रिवाइज करूंगा ताकि आप कनेक्टेड हो पाएं पिछली क्लासों के साथ, फिर हम इसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन कैसे करेंगे, ठीक है। का समाकलन कैसे किया जाएगा हम सीखेंगे। तो चाहे ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो, दोनों में रूल एक ही अप्लाई होगा। तो पहले वो रूल जान लेते हैं कि वो रूल है क्या। तो वो रूल ये है कि हम पी एक्स प्लस क्यू को तोड़ते हैं अवकलज के रूप में, किसके, तो नीचे जो हर में दिया है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। हम पी एक्स प्लस क्यू को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अर्थात हर के अवकलज के रूप में तोड़ देते हैं। यही फार्मूला है, हमको इतना ही याद करके चलना है। इसके बाद यहां जो आएगा, हम पी एक्स प्लस क्यू बराबर यहां जो आएगा अवकलन करने के पश्चात, हम उसको पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर रख देंगे, ठीक है। तो अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन है आपका 6x प्लस 7 बाय एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। तो पहले हम पकड़ेंगे सबसे पहले कि ये किस रूप का है। तो पहले इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, तो 6x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, आप इतना गुणा एक लाइन में कर लेंगे, ठीक है। x का x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस 4x, ये माइनस 5x, तो कितना हो जाएगा माइनस 9x, और माइनस 5 इंटू माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 20। तो ये हो गया किस रूप का, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, ठीक है। जहां p की जगह 6 है, q की जगह 7 है, a की जगह 1 है, b की जगह माइनस 9 है, और c की जगह 20 है, ठीक है। तो इस रूप का हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, तो वही फार्मूला था। फार्मूला क्या था, तो पी एक्स प्लस क्यू बराबर हम लिख रहे थे a d बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। मतलब हम पी एक्स प्लस क्यू को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अवकलज के रूप में तोड़ रहे थे। तो यहां पर ए पी एक्स प्लस क्यू की जगह 6x प्लस 7 है ए डी बाई डी एक्स। अब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान लिख लीजिए, तो वो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस बी। अब यहां से हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसका अवकलन करें और ए और बी का मान प्राप्त करें। तो 6x प्लस 7 बराबर ए, ये हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस बी। उम्मीद है कि आपको अवकलन नहीं बताना पड़ेगा। तो 6x प्लस 7 बराबर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो गुणांकों की तुलना करके a और b का मान निकालेंगे। तो x का गुणांक का x के गुणांक से तुलना होगा, और यहां पर जो कांस्टेंट है उसका कांस्टेंट के साथ तुलना होगा। तो 2ax बराबर कितना हो जाएगा 6, सॉरी 2a बराबर कितना हो जाएगा 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। और यहां पर आपका माइनस 9a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 7, ए का मान है 3, तो 9 3 का 27, तो ये माइनस 27 हो जाएगा।
तो b बराबर हो जाएगा 7 और माइनस 27 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27 7 34, मतलब a का मान 3 आएगा और b का मान 34 आएगा। ठीक है, तो a का मान आपका 3 आ गया और b का मान आ गया आपका 34। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, जो ये अवकलज आया है, इसमें a और b का मान रख देंगे। ये जो अवकलज आया है इसका अवकलन करने के पश्चात जो वैल्यू आई है, यहां पर a और b का मान रख देंगे, इसको समीकरण एक लिख लीजिए। तो समीकरण एक में a और b का मान हम रख देंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था 6x+7 बराबर, समीकरण एक था a 2x-9+b। ये समीकरण एक था। तो समीकरण एक में हम वैल्यू पुट कर दें a और b की, तो a का मान 3 प्लस b का मान 34। अगर आप इसका गुणा कर दें तो ये आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 3 × 6, 9 × 3 = 27 माइनस 27 + 34 + 7, तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें अब इसके स्थान पर ये लिख देना है, हमें ये नहीं लिखना है, अब px+q के स्थान पर हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो लिख देते हैं, तो 6x+7 की जगह हम ये लिख देंगे 3 2x-9 + 34 x²-9x+20 dx। अब यहां से होगा क्या कि आप देखेंगे कि अगर इसे दो भिन्नों में तोड़ दिया जाए तो ये जो वैल्यू है इसके अवकलज के रूप में आ जाएगी। ये फायदा हुआ हमें, अभी तोड़ देते हैं हम, तो इसको लिख देते हैं 3 2x-9 / x²-9x+20 + 34 / x²-9x+20 dx। तो अगर यहां से 3 बाहर ले लिया जाए और इस पूरे को हम क्या मान ले i1 और इस पूरे को क्या मान ले i2, अब i1 और i2 की अलग अलग वैल्यू निकाल कर जोड़ कर हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। यहां पे हमने क्या किया कि px+q की जगह हमने अवकलज वाला रूप लिखा, तो अवकलज वाला रूप लिख दिया और इसको दो भिन्नों में तोड़ दिया। ये जो है इसका अवकलज है, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x और -9x का अवकलन करेंगे तो -9 और +20 का करेंगे तो 0। तो ये इसके अवकलज के रूप में आ गया, तो इसको t मान लेंगे आगे चल के। ठीक है, आगे देखेंगे क्या प्रोसेस हो रहा है। तो हमारा इसमें हम i1 और i2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो पहले i1 की वैल्यू निकाल लें। तो i1 क्या आया है, 2x-9 / x²-9x+20। तो आप x²-9x+20 को t मानेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2x-9 dx = dt। तो यानी 2x-9 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt/t। तो ये क्या हो जाएगा, i1 log t प्लस एक पहला कांस्टेंट c1। इस i1 के लिए पहला कांस्टेंट क्या हो जाएगा, c1। अब दूसरे का अवकलन कर लेंगे, तो दूसरे का समाकलन किस विधि द्वारा करेंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समाकलन बताया गया है। तो आप i2 को 34 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और 1/x²-9x+20 बचेगा, इसका हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समाकलन कर लेंगे। तो ऐसे किया जाता है समाकलन इन रूपों का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहीं पर ये आपको, मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा, i1 मैंने कर दिया, i2 आपको बताया जा चुका है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समाकलन, तो आप इस जो i2 है इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कर लीजिएगा। और जब ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हो जाएगा तो i1 की जगह i1 की वैल्यू रख दीजिएगा और i2 की जगह i2 की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आएगा तब आएगा। तो ये हुआ px+q / ax²+bx+c dx के रूप का अवकलन। क्या होगा अगर
यहां पर अंडर रूट आ जाए तो कुछ नहीं होगा, जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 है बस वहीं पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां पर भी अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां लॉग टी न होके कुछ और हो जाएगा और यहां भी अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहां पर अंडर रूट टी हो जाएगा, ये सब अंडर रूट हो जाएगा, तो ये तो इस रूप में चला जाएगा। और इसका क्या होगा, तो ये फिर पूर्ण वर्ग, इसको भी बताया जा चुका है आपको पिछली कक्षाओं में, इसको भी आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, तो यहां पर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, तो समाकलन डी एक्स बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर, या कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला यहां लग जाएगा। पूर्ण वर्ग बना लेंगे तो वो फार्मूला लगा देंगे, अगर कर्णी नहीं है तो समाकलन एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहां से सिंपल है, यहां वाला नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो पिछली कक्षाओं में आपको बताया जा चुका है। तो आप ध्यान देंगे, और इसको ये तीसरी क्लास है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको ये पूर्णतः एकदम समझ में आ गया होगा। तो मैं, मेरे आज के क्लास का उद्देश्य बस ये था कि आपको पिछली कक्षाओं से कनेक्ट किया जा सके, और आपने अगर समाकलन लगाना छोड़ दिया था तो अब आप धर्रे पर आ जाएं और समाकलन लगाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब आपकी क्लास भी खुलने वाली है तो आपको यहीं से पढ़ाना प्रारंभ किया जाएगा। याद रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि समाकलन चाहे अवकलन शुरू से प्रारंभ किया जाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अब हम करेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। आज बस इसको आप इंट्रोड्यूस हो जाइए इससे कि ये है क्या, बाद में हम इसको कल की कक्षा में इसको समझेंगे दो दो टॉपिक करके। तो पहला, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, या मान लीजिए अगर आपके पास इस रूप के प्रश्न आते हैं तो आप क्या करेंगे, ये तो कर लेंगे, अगर आप इसे चाहें तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना सकते हैं, लेकिन ये एक और विधि द्वारा सॉल्व हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, जिसे हम कहेंगे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर ही लगेगा, ऐसा ऐसा और ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं, तो इन्हें हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, बंद कर देंगे। Thank you.